नमस्ते एंड वेलकम टू कारज ब्लॉग। मैं करुणा और आज हम मुरुडेश्वर में हैं और प्लान है मुरुडेश्वर टेंपल। तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, मंदिर जाएंगे, देखेंगे। मंदिर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बाय द वे आज मॉर्निंग का एक व्यू आपको मैंने दिया जो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक चाय का कप हाथ में और ये बीच मजा आ गया। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का बहुत मिस्टिक व्यू था, सो बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। अब हम फटाफट जा रहे हैं टूवर्ड्स नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हमारा ब्रेकफास्ट था आरएनएस रेसिडेंसी में, खाएंगे और जाएंगे। दिस स्टे वाज डिसेंट, अच्छा लगा। रूम सर्विस बहुत अच्छा था, रूम साफ सुथरा था, बाथरूम साफ सुथरा था, एवरीथिंग वॉज गुड। फटाफट चलिए अब चलते हैं नाश्ता करके और जाएंगे मंदिर के टूवर्ड्स और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बाय द वे हमारा जो पूरा ट्रिप का प्लान कुछ इस तरह से था, हम डे वन गोकर्णा आए थे, डे टू को हमने गोकर्णा एक्सप्लोर किया, डे थ्री को हमने गोकर्णा से मुरुडेश्वर की जर्नी पूरी की वाया होनावरा और काफी सारी जगह एक्सप्लोर किए। तो आप ये ब्लॉग्स को जरूर देखिएगा अगर यहाँ चैनल पे पहली बार आए हैं। तो पूरा सीरीज ट्रिप है और हम आगे भी अभी एक और जगह कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए क्विकली आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग विवान, ठीक है? कैसा लग रहा फूड? कॉम्प्लीमेंट्री फूड अच्छा है ना, ऑथेंटिक साउथ इंडियन टिपिकल ऑप्शन होना चाहिए सभी। वही 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 विवान, इडली कैसा है? यम्मी इडली सांबर। ब्रेकफास्ट मस्त वाला हो गया, काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी सारे आइटम थे, अच्छा था, टेस्टी था, डिसेंट था ब्रेकफास्ट। और अब हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं टूवर्ड्स टेम्पल। आइए चलिए आपको टेम्पल का एक ब्यूटीफुल सा व्यू देती हूँ। ड्रोन के लिए शायद यहाँ परमिशन लगता है, बट ट्राई करूँगी, देखती हूँ अगर ले पाती हूँ तो, है ना, मैं शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने बताया था आज मैं हूँ मुरुडेश्वर टेंपल पे और देखिए महादेव जी का सेकंड मोस्ट टॉलेस्ट स्टैचू जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी, वो सबसे पहला जो है ना सबसे टॉलेस्ट स्टैचू विश्व रूपम जी का वो राजस्थान में है और सेकंड में इनका नंबर आता है। बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। और टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे, है ना, और अंदर जाइएगा तो आपको एक केव मिले। जरा रावण आत्मलिंग को ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें गणेश भगवान आ करके उनको थोड़ा ट्रिक में डाल करके और कैसे वो आत्मलिंग को लंका पहुंचने के पहले बिठा देते हैं। तो ये सारी स्टोरी आपको उस केव में जाइएगा तो हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा, जो ब्यूटिफुली डन है ना। आइए चलते हैं टुवर्ड्स द भू कैलासा, जो केव है, गुफा बना हुआ है यहाँ पे और वो भी ठीक मतलब शिव भगवान के मूर्ति के नीचे ही है। और यहाँ पे आपको कहानी मिल जाएगी मुरुडेश्वर के बारे में, यहाँ जो शिवलिंग है, आत्मलिंग है, उसके बारे में। तो इस जगह पे आना भूलिएगा मत, थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर इस केव के अंदर जाइएगा। बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे स्टैचूज़ के थ्रू सारा स्टोरी बताया गया है और तीन लैंग्वेज में बताई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा में। तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा।
अरेबियन सी के बिल्कुल पास में ही ना ये 123 फीट की जो मूर्ति है ना शिव भगवान की, इसको आप घंटों देख सकते हो। इतनी खूबसूरती से ये बना हुआ है और अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ठीक शिव भगवान की मूर्ति के नीचे ना आपको ये शिव भगवान का मंदिर दिख जाएगा। आसपास भी देखने के लिए काफ़ी अच्छे छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें से एक है शनि देव का मंदिर है। इस गोपुरम को हम राज गोपुरम बोलते हैं और ये 20 स्टोरीड एक गोपुरम है, बहुत बड़ा है और एंट्रेंस है मेन टेम्पल का। और जस्ट इसके सामने में आपको देखिए महादेव का इतना खूबसूरत सा मूर्ति देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं राज गोपुरम और जो मेन मंदिर है ना उसके तरफ। महादेव जी की जो मूर्ति है वहां से हम लोग निकल चुके हैं और मन कर रहा था यार सच बताऊं वहां बैठ के थोड़ा देर मेडिटेशन करने का, लेकिन थोड़ा आते जाते रहते हैं लोग तो डिस्ट्रैक्ट होते हो, थोड़ा देर और बैठने का मन था, हालांकि पूरा दिन ही कम पड़ेगा अगर बैठे तो। चलिए चलते हैं आपको मेन टेम्पल की ओर लेकर और यहाँ पे जो राज गोपुरम है उसको देखेंगे हम। मेरे पीछे में है जो ये मेन राज गोपुरम है, काफी टॉल है, 18 स्टोरी पूरा ये बिल्डिंग है काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। सो यहाँ आइएगा ना तो ये लिफ्ट से ना राजगोपुरा के टॉप फ्लोर पर लेकर जाते हैं जो कि हम अभी ट्राई करेंगे और इसका एक टाइमिंग है जो आपको ध्यान में रख करके इसको ट्राई करना ज़रूर से बनता है ना। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द 18th फ्लोर ऑफ दिस राजगोपुरा। और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रही थी राजगोपुरा के 18th फ्लोर तक जरूर आइएगा। चलिए चलते हैं नीचे और चलते हैं मंदिर जो मेन मंदिर है ना उसके टूवर्ड्स आपको लेके, जिसका की एंट्रेंस है यहाँ से। सो देखिए ड्रेस कोड का ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ था टेंपल प्रमाइसिस में, बट इट्स ऑलवेज गुड टू वेयर समथिंग इंडियन और जो कि फुल लेंथ में हो, है ना, दोनों के लिए, लेडीज़ एज वेल एज जेंट्स लोग, है ना। और टेंपल आपको दर्शन करने में ना कुछ अगर भीड़ नहीं हुई तब तो इमिडिएटली हो जाएगा, लेकिन भीड़ वाले दिन जब क्राउडेड रहे तो 1-1.5 hours, 2 hours आराम से यहाँ लग जाएगा। और मुझे मेरी जगह मिल गई थी जहाँ बैठ के मैंने कुछ देर अच्छे से मेडिटेशन किया। सो तीनों तरफ यहाँ समंदर है और बीच में ये टेंपल ऐसे काव आउट करके बना हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की नगरी से निकलने का, और यस महादेव की नगरी से निकलने का टाइम आ गया। चलते हैं टुवर्ड्स उडुपी। मिश्री का हम लोग कहाँ रहने वाले हैं चलिए अब आपको हम रास्ते में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मेरे को आइडिया है। आइडिया है, आइडिया होने से क्या होता है, काम सारा पुख्ता। ओहो
हम भटकल क्रॉस कर रहे हैं और हमारा जो अभी डेस्टिनेशन है ना कुछ अराउंड 100 किलोमीटर्स का बाकी है। NH66 पे हैं हम, कोची कन्याकुमारी पनवेल हाईवे। मस्त लग रहा है, छोटे छोटे बिल्डिंग लग रहा है, अपने एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। सो यस, आज हम तो अभी उडुपी के लिए जा रही है। आप सबको मालूम है मुरुडेश्वर से उडुपी 120 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा और हमने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है ना, मिस्टर डीके वुड यू लाइक टू से हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है? कांतारा। सो बेसिकली कहाँ, राइट, यू राइट। सो कांतारा से, कांतारा मूवी की शूटिंग हुई होगी, आप सबको मालूम ही होगा कांतारा तो हम सबने देखा है, ब्रिलियंट मूवी थी, और उसकी शूटिंग हुई है उस हेरिटेज प्रॉपर्टी पे जहाँ पे हम आज रहने वाले हैं। सो दैट इज बेसिकली साई राधा हेरिटेज रिजॉर्ट जहाँ पे हम आज चेक इन करेंगे, और वो जमींदार वाला जितना सीक्वेंस था ना उसकी शूटिंग हुई है इसी जगह पे, और वो बीच साइड प्रॉपर्टी भी है, मतलब बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है ऑन द बीच इनफैक्ट। सो और हेरिटेज भी है, तो सारा मतलब मस्त रहने वाला है आज का स्टे। तो आप सब भी हुक्ड रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिए, और अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा प्रॉपर्टी आप सबको दिखाती हूँ जो कि है उडुपी के कॉप बीच पे। सो यस, वांधे बीच का के पास में, और बेसिकली इस तरफ से हम आ रहे थे और जीपीएस ने हमें प्रॉम्प्ट कर दिया था कि मारवांधे आ रहा है, राइट साइड पे समंदर है, लेफ्ट साइड पे नदी है, और इनका एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। बहुत खूबसूरत सा व्यू है मेरे पीछे में, आपको दिख रहा होगा, अमेजिंग सा समंदर है बना हुआ, काफ़ी अच्छा है। इस तरह का रॉकी ट्रेन आपको दिखेगा हर जगह, देखिए वो दिखेगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ड्रोन का एक अच्छा सा आपके साथ व्यू शेयर करूँगा क्योंकि बनता है, और बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये, अपने आप में साफ सुथरा लग रहा है। यहाँ कुछ कुछ छोटे छोटे शॉप्स हैं, तो आराम से रुक के थोड़ा चाय पानी करके और फिर आगे की जर्नी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। बिल्कुल समझ गए कि आप ड्रोन फुटेजेस का वेट कर रहे हो, तो ये रहा द ब्यूटीफुल ड्रोन फुटेजेस टेकन ऑफ द मारवांधे बीच। We got time on our side, when I stay at home, I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on, do you feel that we got something strong? I saw you walking the line and the truth. मिस्टर डीके, मजा आया एक तरफ समंदर एक तरफ नदी देख के, और ये एक डिफरेंट व्यू था इस तरह का, मुंबई का जो देखते थे ना बीच का, हाँ इधर का वो व्यू, वो स्टोन जो ये हो कर दिया, बहुत एग्रेसिव एक्चुअली ये वाला समंदर है, तो मतलब इट्स अ गुड आइडिया कि वो ये करके रखे हैं ये लोग, रेनी सीजन के चलते
हाँ एग्रेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन बहुत खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ आपने ड्रोन व्यू देखा होगा इस जगह का, और बहुत स्पेक्टेक्युलर है। आपको शुरू में ही ना जीपीएस फॉलो करोगे तो आपको दिखा देगा मारो अंधे आ रहा है, एंड यू मस्ट स्टॉप बाय एट दिस प्लेस अगर इस रूट पे ड्राइव कर रहे हो टुवर्ड्स उडुपी, है ना। चलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो कुछ अराउंड, अभी तो हम लोग वही पनवेल कोची कन्याकुमारी हाईवे का ही वो पार्ट था मारो अंधे बेसिकली, एंड साई राधा हेरिटेज आने के लिए अभी अराउंड कुछ समय बाकी है 67 किलोमीटर के आसपास, और 259 का टाइम स्टैम्प दिखा रहा है कि हम वहां पहुंच जाएंगे, है ना। बाकी तो कोस्टल कर्नाटका इतना खूबसूरत है, भर भर के अबंडेंस मतलब में खूबसूरती है नेचर का और ब्यूटी है। सो इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल, किसी चीज की कमी नहीं है इस जगह पे, हर चीज का एकदम परफेक्ट बैलेंस आपको फील होगा, स्पिरिचुअल ब्यूटी नेचर सब कुछ भगवान ने भर भर के दिया है यहाँ पे। क्या मिस्टर डी के सही बोल रही हूँ ना, ये तो एक प्लेस फेमस है वही 40-50 किलोमीटर पे, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी बाउंड टू स्टॉप एंड सी द रियल ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस यार। सो लंच का टाइम हो चला है और हम रुके हैं यहाँ, एक हम लोग को ऑन द वे लेफ्ट पे होटल दिखा, चलिए चलते हैं। हम इस होटल पे रुके हैं जानवी एनक्लेव कोस्टल नाटी स्टाइल नॉनवेज होटल मिला है बेसिकली हमें, और फटाफट क्योंकि ना काफ़ी सारे होटल सर्विस रोड में पार हो रहे थे, और क्विकली कुछ यहाँ से ग्रैब करेंगे फिर निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। मस्त वाली भूख लग गई है, 2:30 हो चुका है, कुछ 50 किलोमीटर्स का हमारा जर्नी और बाकी है, ज़्यादा है नहीं, फटाफट यहाँ से खाते हैं और फिर निकलते हैं। सो इस होटल में मेरा वेज आइटम तो नहीं मिला, मिस्टर डीके का नॉन वेज आइटम पार्सल हो रहा है, मिस्टर डीके के पेट में चूहा कूद रहा था, तो मैंने बोला भाई आप पार्सल करा लो, मैं आगे से लेमन राइस या कोई भी राइस खा लूँगी, तो वही प्लान हो रहा है। तो मिस्टर डीके आपने क्या ऑर्डर किया है यहाँ से? मटन बिरयानी यहाँ का स्पेशल है, ये बता रहे हैं। मटन बिरयानी, ओके, कबाब। मिस्टर डीके की जवानी। सो चलिए यहाँ से फटाफट पार्सल करवाएंगे, फूड यहाँ पे फिलिंग वगैरह चल रहा है, पार्सल करा कर फिर निकलते हैं, एंड दीवान के लिए राइस घी राइस टाइप का कुछ ऐसा पार्सल करवा लेते हैं तो उसको घी राइस खिला देंगे। टूटन ले लिया है और ये एक डिसेंट सा होटल हमें दिख रहा है, और चलिए वेज आइटम के लिए मेरा ये जिंदाबाद है इंद्रप्रस्था होटल नाम है, ये सब का ना मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो व्हेन यू आर ऑन दिस रूट, है ना। ये क्या क्या ऑप्शन है खाने का और फिर निकलेंगे यहाँ से। और इंद्रप्रस्था होटल से मैंने भी एक अच्छा सा जीरा राइस दाल और पकौड़ी वगैरह पार्सल करवा लिया, और इसके बाद बारी थी कि एक डिसेंट सा प्लेस खोजे और वहां बैठ के मस्त वाला खाना खा ले अपना दोपहर का लंच। के बिरयानी मटन बिरयानी और ये कबाब, ओ हो हो, होटल वाला स्पेशल बोल के दिया कि आप खाके को ट्राई कीजिए। गारंटी अच्छा लगेगा, चलिए तो खाइए और क्या मजे उठाइए आप अपने मील्स का। आप तो कार में मैं बोल रही थी बैठ के खाओ, लेकिन आप तो नहीं तैयार हो रहे हो नॉनवेज के वजह से। हाँ ठीक है चलिए। तो मेरा आज दाल जीरा राइस और मस्त वाला पकौड़ी चल रहा है, ये नॉनवेज नहीं है मेरा, मेरा प्याज का पकौड़ी है जो मैंने लिया है। सो लेकिन बहुत अमेजिंग टेस्ट है, हाँ सिंपल येट अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। टाउनशिप क्रॉस कर रहे हैं, बेसिकली शायद बाईपास है, और हमारा जो प्रॉपर्टी है यहाँ से और 19.6 किलोमीटर पे है, आउटस्कर्ट्स पे है उडुपी के बेसिकली, बट द प्रॉपर टाउन इज दिस, और एक अच्छा ब्यूटी मतलब चार में एक ओल्ड टाउन चार्म दिख रहा है इस जगह का, बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
यार मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ का यू टर्न का फैसिलिटी लगा। इतना आप सेफ फील करोगे ना, इस तरह से जो गार्डेड है, आराम से यू टर्न आप यहाँ पे ले सकते हो। अमेजिंग था और एक नया एक्सपीरियंस था। और ये आ गई हमारी साई राधा हेरिटेज के लिए टर्न, जो हमारी बीच साइड प्रॉपर्टी है, द कांतारा हाउस के लिए भी। एंड चलिए चलते हैं फटाफट टुवर्ड्स आर बीच फेसिंग प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी इनफैक्ट। सो बीच साइड बीच फेसिंग प्रॉपर्टी के लिए आपको स्ट्रेट जाना होगा और जो कांतारा हाउस है ना वो है ऑन द राइट। और पहुंच गए हैं हम अपनी प्रॉपर्टी पे एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ रही है इस प्रॉपर्टी को देख करके, बहुत अमेजिंग लग रहा है। चलिए जाते हैं पार्किंग में, है ना। हम रिजॉर्ट तो पहुंच चुके हैं और देखिए हमारे पीछे में चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो अन्ना सारा सामान लेके चले गए और एकदम ऑथेंटिक ब्यूटीफुल सा ये घर लग रहा है, अमेजिंग दिख रहा है ना। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी ही। एडवांस में बुकिंग कर दिया था बेसिकली, कुछ 1300 रुपीज पे करके। आइए चलिए आगे, जैसे जैसे देखेंगे तो फिर मैं सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग तो आज अच्छे से पहुंच गए, उड़पी आ चुके हैं और साई राधा बीच रिजॉर्ट है ना, उसके रेस्टोरेंट में बैठे हुए। यार मैंने एक बात सोचा, ये प्रॉपर्टी इतना ब्यूटीफुल है ना, इसके लिए एक मतलब डेडिकेटेड ब्लॉग चाहिए होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी वाइड एरिया में स्प्रेड आउट है, प्लस कांतारा का जहाँ पर शूटिंग हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। तो हमने सोचा ना कि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को आज का यही एंड करते हैं। ये बेसिकली था बुरुडेश्वर का आपको पूरा टेंपल का आइडिया देने के लिए और उड़पी तक की हमारी जर्नी, प्लस हमने कवर किया मारवान थे, है ना। सो दैट्स इट, आई थिंक आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर से देखिएगा, ये बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और इसको मैं डिटेल में कैप्चर करूँगी। एंड यस दैट्स इट, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, बताइए कैसा लगा वीडियो। एंड या फ्यू मोर एपिसोड्स और आएंगे इस सीरीज़ के, है ना। हम यहाँ उड़पी में हैं और जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, पूरी कोशिश यही रहेगी। सो चलिए चलिए मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, है ना। बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।